सिविल राइट्स मूवमेंट दैट वॉज स्टार्टेड इन यूएसए अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. दिस चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी इज रिलेटेड विद द सिविल राइट्स मूवमेंट दैट मूवमेंट विच वॉज फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट जो है वो लड़ी गई थी. आपने बच्चे नाइन्थ क्लास में जब हमने नेल्सन मंडेला का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उसमें हमने ये पढ़ा था दैट नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल एंड ही स्पेंट मैनी ईयर्स मोर देन 28 ईयर्स इन इम्प्रिजनमेंट एंड वेन ही केम बैक जब वो वापिस आए एट दैट टाइम सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंज. इलेक्शंस वर हेल्ड इन द कंट्री एंड आफ्टर दैट साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो थे नेल्सन मंडेला ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चेंज एंड इक्वल पावर्स वर गिवन टू ब्लैक एंड वाइट पीपल. दैट वॉज द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका वी हैव डिस्कस इन नाइन्थ क्लास. वट दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद द यूएस यूएसए की स्टोरी है ये. ठीक है, इसमें हमने इवेंट बतानी है मैक्सिको ओलंपिक 1968. This event, this example is taken from the event that held in Mexico Olympic. Olympic हुए थे 1968. सबसे पहले year याद रखो. Mexico Olympic का year जो था वो 1968. उस event की एक बिल्कुल एक incident लिया है जिस incident से हमें black और white के बीच में उस time में कितना gap है उस gap के बारे में पता लगता है. ठीक है, तो ये story जो है story form में आपको बताई गई है. ठीक है, एज अ चैप्टर बिगन जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें मैक्सिको ओलंपिक ईयर 1968 में ठीक है वो स्टोरी बताई गई है. ओलंपिक खत्म हो जाने के बाद जब मेडल सेरेमनी होती है तो इस मेडल सेरेमनी में जितने भी विनर्स होते हैं उन विनर्स को मेडल्स के लिए या प्राइज के लिए बुलाया जाता है. जो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होती है या मेडल सेरेमनी होती है. ठीक, और मैक्सिको में जब ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी हुई मेडल सेरेमनी हुई 1968 में तो ये जो इवेंट है ये इवेंट थ्री एथलीट्स से रिलेटेड है. नंबर वन टॉमी स्मिथ, ये यूएस एथलीट थे. ठीक है, नंबर टू जॉन कार्लोस, ये भी यूएस एथलीट थे. लेकिन पीटर जो थे पीटर नॉर्मन ये ऑस्ट्रेलिया से. ठीक है, और इवेंट क्या थी 200 मीटर रेस में टॉमी स्मिथ जो थे वॉज फर्स्ट तो उनको गोल्ड मेडल मिला. जॉन कार्लोस वो जो थे वो थर्ड थे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला. और पीटर नॉर्मन जो थे वो सेकेंड थे इसलिए इनको क्या मिला सिल्वर मेडल. तो आप इनकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए फर्स्ट देन थर्ड देन पीटर नॉर्मन सेकेंड. ठीक है, अब आपको पूरा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मैक्सिको ओलंपिक 1968. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मैक्सिको ओलंपिक 1968 की इवेंट इसमें हमने बतानी है. और ये जो इवेंट थी वो क्या थी मेडल सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी थी जिसमें बाद में जितने भी एथलीट जो विनर्स थे उनको मेडल सेरेमनी के लिए बुलाया गया. और 200 मीटर रेस के जो विनर थे नंबर वन टॉमी स्मिथ उनको क्या मिला गोल्ड. देन नंबर टू जॉन पीटर नॉर्मन सिल्वर मेडल एंड जॉन कार्लोस थर्ड थे उनको मिला ब्रॉन्ज मेडल. और मेडल सेरेमनी में क्या होता है जब इनको इनवाइट किया जाता है तो जब इनको मेडल जो है ठीक है वो मेडल डालते हैं तो उस टाइम पीरियड में उनको जैसे स्लॉट में खड़ा किया जाता है. तो जब इनकी एंट्री हुई दैट एंट्री वॉज द मेन न्यूज ऑफ नेक्स्ट डेज न्यूज पेपर. जैसे ही इन्होंने एंटर किया मेडल्स लेने के लिए उनकी जो पिक्चर थी नेक्स्ट डे उनकी जो पिक्चर थी ये पिक्चर जो थी वो पूरे वर्ल्ड की एक मेन जिसे हम कहते हैं ना कि मेन न्यूज हेडलाइन बन गई. क्या पिक्चर थी ये टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस जो थे वो जब स्टेडियम में उन्होंने एंटर किया और जब मेडल लेने के लिए आए दे केम विदाउट शूज. पहले तो उन्होंने शूज नहीं पहने हुए थे. उनका हर जो गेस्चर है ना वो एक सिंबल है. मैं आपको बाद में सारे सिंबल्स बताऊंगी कि उनके गेस्चर का क्या मीनिंग है. दे केम विदाउट शूज, पहले तो उन्होंने शूज नहीं पहने हुए थे एंड ब्लैक सॉक्स.
उन्होंने ब्लैक सॉक्स पहनी हुई थी, और जैसे ही उनको मेडल्स के लिए प्रॉपर, जैसे हम कहते हैं कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन में, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में उनको रखा गया, देन टॉमी स्मिथ और जो जॉन कार्लोस थे, इन्होंने क्या किया, अपना एक हैंड, मतलब जो हैंड है उसको रेज किया, एंड हैंड जो है उसको प्रॉपरली बंद कर लिया, क्लिंच फिस्ट का मतलब इस तरह से, ठीक है, ऐसे हाथ किया और इस तरह से, और अपने सिर को झुकाया, बो हिज हेड, अपने सिर को झुकाया, ठीक है, और हाथों में उन्होंने क्या पहने हुए थे, ग्लव्स, ब्लैक कलर के ग्लव्स। तो ये उनका जो गेस्चर था ना, ये पूरे वर्ल्ड ने नोटिस किया, और इस गेस्चर का मतलब क्या था, वो क्या शो करना चाहते थे, ठीक है, वो जैसे ही वो आए उस टाइम पीरियड में, उनका वहां पे आने का मोटिव क्या था, वो क्या इंटरनेशनल इवेंट थी, कितनी ही कंट्रीज वहां पे आई थी, तो वो इस इंटरनेशनल इवेंट में वो क्या शो कर रहे थे। ये दोनों यूएस एथलीट थे, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, और पीटर नॉर्मैन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया से थे। पीटर नॉर्मैन ने इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए अपनी टी शर्ट के ऊपर क्या लगाया, यूएन बैज, कि वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन अलग थी, इनकी पोजीशन अलग थी। टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ने अपना हाथ ऊपर किया, हाथ को इस तरह से बंद किया, हाथ को ग्लव्स, इसके ऊपर ग्लव्स, ब्लैक कलर के ग्लव्स डाले हुए थे, ठीक है, और शूज नहीं पहने हुए थे, ब्लैक सॉक्स थी, और अपना सिर जो है वो झुकाया हुआ था। पीटर नॉर्मैन ने इनके साथ खड़े होकर यूएन बैज लगाया और एक सिंबल दिया कि वो इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनके जो गेस्चर्स थे, इनका मीनिंग क्या था, शूज पहनकर ना आना, ब्लैक सॉक्स का पहनना, ब्लैक पावर्टी, उन्होंने ये शो किया कि हम तो यहाँ पे, हमें तो गोल्ड मेडल मिल गया, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जिनको फैसिलिटीज अभी तक नहीं मिली है, बिकॉज दे आर फेसिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टिल इन द कंट्री, एंड सो मैनी पीपल दे आर विदाउट शूज इन आर कंट्री, ब्लैक पीपल, उनके पास शूज भी नहीं है। ब्लैक सॉक्स ब्लैक पावर्टी को रिप्रेजेंट किया, जब वहां पर उन्होंने पोजिशन के अकॉर्डिंग अपने आप को, जब उनको मेडल देने के लिए खड़ा किया गया था, तो हाथ ऊपर करके हाथ को बंद करना का मतलब क्या है, कि उनकी पावर को रोका गया है, ब्लैक सॉक्स, क्योंकि वो ब्लैक हैं इसलिए उनकी पावर जो है, जो भी उनकी पावर है उसको रोका गया है, उनके हाथ बांध दिए गए हैं, क्योंकि वो ब्लैक हैं इसलिए उनको जो है फैसिलिटीज नहीं दिए, ठीक है। एंड सिर झुकाने का मतलब क्या है, दे आर फीलिंग अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब है कि वो झुके हुए हैं क्योंकि उनकी कंट्री की पॉपुलेशन को जो है वो वाइट पीपल ने झुकाया हुआ है ना। इस तरह के सिंबल्स जो हैं, इन तरह के गेस्चर्स, उनकी बॉडी मूवमेंट्स जो हैं, उन्होंने अल्टीमेटली उनका मोटिव क्या था, टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अबाउट ब्लैक पावर्टी, ठीक है, इन यूएसए। एंड नेक्स्ट, सबसे लास्ट में उन्होंने ये कहा कि नाउ दे आर एथलीट्स, उनको मेडल्स, यहाँ पे उनको प्रॉपर जो है रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ पे प्रॉपर उनको जो है रिकॉग्निशन मिली, लेकिन उनकी अपनी कंट्री जो है, यानी कि उनके जो अपने लोग हैं, वहां पर उनको इक्वालिटी नहीं मिली। तो दैट वॉज अ मेन मोटिव ऑफ देयर टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन ऑफ ऑल द पीपल एट दैट टाइम। और आपको पता है, जब उन्होंने ऐसा किया तो देवर नॉट वेलकम, क्योंकि जब कंट्री जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने ऐसा किया, तो उनकी जो गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या हुआ, देयर उस टाइम तो उनको मेडल्स दे दिए, ठीक है, बट आफ्टर दिस इवेंट, जब इस इवेंट का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत से लोगों, बहुत सी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया कि वो अपनी कंट्री के इंटरनल मैटर्स को इंटरनेशनल जो है लेवल के ऊपर इस तरह से क्यों जो है वो डिस्क्लोज किया, क्यों ऐसे शो कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने इसको बहुत ज्यादा प्रेज किया जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब इनके साथ क्या हुआ, देयर मेडल्स वर टेकन बैक, ठीक है, ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया, इनके मेडल्स को वापस ले लिया, एंड दे वर डिबेयर्ड टू प्ले नेक्स्ट ओलंपिक्स, यानी कि नेक्स्ट ओलंपिक्स से खेलने के लिए इनको मना करती। इवन पीटर नॉर्मैन का तो कोई कसूर नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ यूएन बैज लगाया था इनको सपोर्ट करने के लिए, जस्ट उन्होंने एक मतलब अपना एक सिम जो है वो मैसेज दिया था कि वो इनकी दोनों की जो भी ये कर रहे हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं।
इवन हिज मेडल वॉज टेकन बैक, पीटर नॉर्मैन का जो मेडल है उसको भी वापस ले लिया गया और उसको भी नेक्स्ट ओलंपिक्स यानी कि नेक्स्ट जब भी ओलंपिक गेम्स होंगी उनको खेलने से उनकी एंट्री जो है वो बैन कर दी, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते कि मैक्सिको ओलंपिक 1968 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट बनी जिस इवेंट में ब्लैक पॉवर्टी यानी कि डेयर, डेयर का मतलब होता है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस एक ऐसे एथलीट थे जिन्होंने डेयर किया था कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी कंट्री अपने लोगों की कंडीशन को दिखा सके, लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ क्या किया गया, उनके मेडल्स ले लिए गए और उनको ओलंपिक खेलने से आगे मना कर दिया। व्हाट लेटर ऑन जब ये सिविल राइट मूवमेंट जो थी वो बहुत लार्ज स्केल पे सभी कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हुई तो लोगों के लिए दोनों टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस जो थे वो आइकन्स, आइकन्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सिंबल जिसने उनको एक स्पिरिट दी थी लड़ने के, ठीक है। और बाद में इन्हीं दोनों के यानी कि इन तीनों की जो इवेंट है जो इस इवेंट को उस यूनिवर्सिटी में जहां से इन्होंने स्टडी की थी सेन हॉज यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी ने बाद में स्टैचू लगाया अपनी यूनिवर्सिटी में सेम वही इवेंट कि जिसमें वो मॉडल जो है वो मेडल्स ले रहे हैं, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस की जो पोजीशन है सेम उसी पोजीशन में उनके स्टैचूज लगाए गए ताकि बाद में लोग इनके स्टैचूज को देखें और जिस तरह से जो उनकी पोजीशन, जो पोजीशन उस टाइम पीरियड में नेक्स्ट डे न्यूज में बहुत हाईलाइट किया गया था उसी पोजीशन में उनके स्टैचूज जो हैं वो लगाए गए सैन होज यूनिवर्सिटी 2005, ठीक है। एंड बाद में 2006 में जो हम बताना है कि 2006 में व्हेन पीटर नॉर्मैन की जब डेथ हुई थी तब इन दोनों प्लेयर्स ने उनके फ्यूनरल में पार्टिसिपेट किया और वो भी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कि किस तरह से ये इनका तीनों का कंट्रीब्यूशन मेन माना जाता है कि किस तरह से इन्होंने स्पिरिट जो है ब्लैक पॉवर्टी की जो स्पिरिट है उसको आगे जो है सिविल राइट मूवमेंट को आगे जो है वो इंक्रीज किया था स्पिरिट, क्लियर। तो अब हमने इसमें सारा मैक्सिको ओलंपिक जो है उसमें सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेडल वॉज वन बाय टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, पीटर नॉर्मैन और इवेंट कौन सी थी 200 मीटर रेस, ठीक है। देवर ये दोनों थे कौन, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस दोनों कौन थे, यूएस एथलीट, लेकिन इनकी रेस क्या थी, रेस बतानी है कि इनकी रेस किस रेस से ये बिलोंग करते थे। देवर अफ्रीकन अमेरिकन दोनों ही, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस बोथ वर अफ्रीकन अमेरिकन, यहां पे अफ्रीकन अमेरिकन क्यों, दोनों कंट्रीज दोनों कॉन्टिनेंट्स के नेम क्यों लगाए गए हैं, बिकॉज ओरिजिनली ये जो थे वो अफ्रीका से बिलोंग करते थे लेकिन अफ्रीका से इनकी फैमिलीज आगे चलेगी अमेरिका और ये वहां पे रहना शुरू हो गए और इनकी फैमिलीज वहाँ की सिटीजन्स बन गई लेकिन अमेरिका जाने के बाद भी आगे इनकी जनरेशन्स को वो राइट्स नहीं मिले जो वहाँ के बॉर्न सिटीजन्स जो हैं वो उनको मिलने चाहिए। इसका जैसे हम कहते हैं ना कि इंडियन अमेरिकन्स एनआरआईज सपोज इंडिया से कोई फैमिली अमेरिका गई उसके बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन 3-4 जनरेशन के बाद जो लोग वहाँ के बॉर्न सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स जो हैं वो मिलते हैं लेकिन अगर उनको वहां के राइट्स ना मिले इट मींस वहां की गवर्नमेंट अभी भी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है उनके साथ कि उनको एज अ इंडियन ही माना जाता है, उनको कभी भी अमेरिकन नहीं माना जाता। इसी तरह से टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस जो थे वो अफ्रीकन अमेरिकन थे ड्यू टू देयर रेस क्योंकि वो ब्लैक रेस जो थी उनकी नीग्रोज थे, ठीक है। और इसलिए अफ्रीकन अमेरिकन होने के कारण इनको यूएसए में कभी भी उस टाइम पीरियड में जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1968 वहां पर इनको इक्वालिटी इक्वल राइट्स नहीं मिले इसलिए इनको इनकी जो रेस है क्या कहा जाता है अफ्रीकन अमेरिकन। पीटर नॉर्मैन कौन थे, वो ऑस्ट्रेलिया के एथलीट थे, वो अफ्रीकन अमेरिकन नहीं थे, वो वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बट उनका कसूर क्या था, ही जस्ट सपोर्टेड टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, क्लियर। इंटरनेशनल इवेंट जो थी अब इस इवेंट के बाद यानी कि जो न्यूज थी इस न्यूज के बाद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी भी कंट्रीज थी जिन कंट्रीज में ब्लैक और वाइट के बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उन कंट्रीज में ब्लैक लोगों ने अपनी अपनी तरफ से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मैंने आपको अभी बताया कि 2005 में बाद में सेन होज यूनिवर्सिटी
जहां पे टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोज ने स्टडी की थी, उस यूनिवर्सिटी ने उनको एक जिसम कहते हैं कि रिस्पेक्ट देने के लिए इनकी उस इवेंट की जो फोटो थी उसी फोटो को स्टैचू की फॉर्म में अपनी यूनिवर्सिटी में इंस्टॉल किया। और बाद में जिसम कहते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा जिसम कहते हैं पब्लिसिटी की गई, ठीक है। और जब नॉर्मन की डेथ हुई, नॉर्मन की डेथ के बाद भी टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोज उनके फ्यूनरल को अटेंड करने गए थे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जस्ट एक इवेंट ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अटेंशन ड्रॉ की, लेकिन बाद में चाहे इनको बहुत सा जो है वो लॉस फेस करना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे सिविल राइट मूवमेंट क्या थी, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि सिविल राइट मूवमेंट जो थी, इस सिविल राइट मूवमेंट में इनकी जो इवेंट थी, इस इवेंट को बहुत अटेंशन मिली थी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों को वाइट और ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्लियर हुआ। अब हमने बताना है सिविल राइट्स मूवमेंट। जिस टाइम पीरियड में वर्ल्ड में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी, तो उस टाइम पीरियड में एक और मूवमेंट भी थी जिसको कहा जाता है ब्लैक मूवमेंट या ब्लैक पावर मूवमेंट। फर्क था इनमें, थोड़ा सा डिफरेंस था, मोटिव चाहे सेम था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के लिए एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स और दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरीज, दोनों का मोटिव सेम था लेकिन मेथड अलग अलग थे। इसी तरह से सिविल राइट्स मूवमेंट एंड ब्लैक पावर मूवमेंट का जो है वो मोटिव सेम था लेकिन मेथड अलग अलग था। तो वो जस्ट हमने थोड़ा टाइम पीरियड बताना है, थोड़ा हमने ये बताना है कि किस तरह से इनमें थोड़ा डिफरेंस क्या था। सिविल राइट्स की बात की जाए तो सिविल राइट्स मूवमेंट जो थी वो 1954-1968 के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फेमस हुई और अल्टीमेटली इसकी अटेंशन कहाँ पे मिली, मैक्सिको ओलंपिक 1968। ब्लैक पावर मूवमेंट जो थी वो 1966 और 1975 में बहुत हाईलाइट हुई, 1975 में बहुत हाईलाइट हुई। तो ये इनके ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। देन मेन इनका बेस जो है सिविल राइट मूवमेंट का जो बेस था वो था नॉन वायलेंस, लेकिन यहां पे जो ब्लैक पावर मूवमेंट का जो बेस था वो था वायलेंस। अब ऑटोमेटिकली जब वायलेंस होगा तो मैनी ब्लैक पीपल दे किल्ड वाइल्ड पीपल, वाइट पीपल, ठीक है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पे इन्होंने मिलिटेंट एक्टिविटीज, मिलिट्री मतलब जिसने कहते हैं ना कि मिलिटेंट जो है एक्टिविटीज ज्यादा थी यहाँ पे, मिलिटेंट एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, अटैक या किलिंग या रॉयट्स इस मूवमेंट में ज्यादा था ऑब्वियसली, क्योंकि ये वायलेंट वायलेंट थी, ठीक है। और सिविल राइट्स मूवमेंट जो थी, इस मूवमेंट को लीड किन्होंने किया, मार्टिन लूथर जूनियर। जूनियर क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर जो हैं, देखा जाए तो वो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके प्रोटेस्टेंट माने जाते हैं, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, इसको रिफॉर्म किया था, ठीक है। और आगे वो ओरिजिनल मार्टिन लूथर, और उसके बाद 1954-1968 में, ठीक है, एक और पर्सन थे उनका नाम भी मार्टिन लूथर ही था, इसलिए मैंने यहाँ पे जूनियर लिखा, क्योंकि आगे जब हम प्रिंट कल्चर करेंगे ना तो हम प्रिंट कल्चर में मार्टिन लूथर जो 14-15 सेंचुरी के थे उन्होंने क्या किया था उनका कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। तो आपने दो नेम याद रखने हैं, मार्टिन लूथर जूनियर। जूनियर मतलब यहाँ पर जूनियर मतलब कि नाम उनका भी सेम था लेकिन इनका टाइम पीरियड क्या था, 20th सेंचुरी, मतलब 1954 सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए इन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को, ठीक है। और ये एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है प्लान्ड, लेकिन ये जो थी वो कभी भी अटैक करते थे तो प्रॉपर अनऑर्गेनाइज्ड। मोटिव चाहे सेम ही था, दोनों का मोटिव सेम था, टू गेट ब्लैक पावर और ब्लैक इक्वालिटी, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे।
ठीक है, दोनों का मोटिव सेम ही था, दोनों ही चाहते थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, लेकिन इनका मेथड अलग था, ये नॉन वायलेंस था, ये वायलेंट था। तो कभी भी आपको डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन सिविल राइट्स मूवमेंट एंड ब्लैक पावर, तो आपको मोटिव और इसका मेथड जो है वो क्लियर होना चाहिए। ईयर थोड़ा डिफरेंट है, ये वायलेंट था, ये नॉन वायलेंट था। इसका जो मेन लीड का मतलब एक ऑर्गेनाइज था, मार्टिन लूथर जूनियर जिन्होंने इनको लीड किया, ये अनऑर्गेनाइज था और इसमें कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं थी। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग एरिया से न्यूज आती थी कि ब्लैक पीपल दे अटैक्ड ऑन वाइट, तो एक पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं कि कोई मूवमेंट के लीडर या एक अनऑर्गेनाइज जो है वो प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही मूवमेंट अपने अपने टाइम पीरियड में ब्लैक और वाइट जो है उस गैप को खत्म करने के लिए जो है वो स्टार्ट की गई थी। और अल्टीमेटली स्टोरी मैक्सिको ओलंपिक स्टोरी जो है वो 1968 जिस स्टोरी को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अटेंशन मिली थी, और इन दोनों जो प्लेयर्स थे एथलीट्स थे बाद में चाहे बहुत कुछ फेस करना पड़ा पर अल्टीमेटली उन्होंने अपनी कम्युनिटी की जो एक कंडीशन थी वो इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने में वो सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर क्या है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, रूल बाय पीपल या रूल ऑफ पीपल। लेकिन जब ब्लैक और व्हाइट की बात करें तो क्या यूएसए में उस टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी थी? इट मीन्स जब ब्लैक और पीपल ही आपस में इक्वल नहीं थे तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं दैट ब्लैक पीपल दे वर नॉट गिवन डेमोक्रेटिक राइट्स, इनको डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दिए गए, इनके एरियाज अलग होते थे, दे वर सेग्रीगेटेड, रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसीज यहाँ पे अडॉप्ट की जाती थी। ठीक है, इवन बीचेस, पब्लिक प्लेसेस, होटल्स, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स वर टोटली डिफरेंट फॉर ब्लैक पीपल। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक आइडियाज जो हैं वो नहीं होते। अब क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, डिफरेंस। हमारी कंट्री डाइवर्सिटी है बिकॉज इन आर कंट्री मैनी स्टेट्स आर देयर, मैनी रिलीजियस ग्रुप्स आर देयर, मैनी कम्युनिटीज आर देयर, एंड नो डाउट our country is democratic, but still in our country people belong to diverse groups, they are not satisfied. bahut se log aise hain jo abhi bhi satisfied nahi hain. no doubt constitution ne sabko rule of law equality provide kiya hai, fundamental rights provide kiye hain, but still some people they are not considered equal. abhi bhi equality nahi hai. to kyon aisa hota hai, kyon society mein differences hote hain? to ye aap topic hai hamara different forms of social difference. society में differences किस basis के ऊपर होते हैं? ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके reasons क्या होते हैं, क्यों लोग अलग अलग होते हैं, क्या reason होते हैं, या क्या इसका origin होता है, origin क्या है? सोशल डिफरेंस बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, क्यों लोग आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके क्या बेसिस होते हैं, कंट्री में अलग अलग डिफरेंसेस क्यों हो सकते हैं? नंबर वन, डिफरेंस बेस्ड ऑन बर्थ। ये डिफरेंस जो है, ठीक है, ये तो सोसाइटी में, हर सोसाइटी में होता है डिफरेंस बेस्ड ऑन बर्थ। पीपल अराउंड अस आर हैविंग, मेल और फीमेल, तो बर्थ के बेसिस के ऊपर मेल और फीमेल, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, बॉय गर्ल, मेल फीमेल, ठीक है, कलर, कलर जो है कलर डिसाइड, कोई वाइट है, ठीक है, किसी का कंप्लेक्शन ब्रिटिश है, किसी का कलर ब्लैक है, तो दैट इज बेस्ड ऑन बर्थ, तो दैट इज नेचुरल कॉम्प्लेक्शन, दैट इज नेचुरल, उसके बेस के ऊपर हम किसी से हेट नहीं कर सकते। इफ सपोज एनी चाइल्ड इज बॉय, बॉय है या गर्ल है या वाइट है, ब्लैक है, ब्रिटिश है, उसके बेस के ऊपर हम किसी से भी हेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बॉय और गर्ल के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है,
कॉम्प्लेक्शन के बेसिस के ऊपर जो है, अगर मैंने अभी आपको बताया है कि यूएसए में किस तरह से ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कलर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, सो दैट इज रॉन्ग. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल डिफरेंस, रीजन या ओरिजिन क्या होता है, बेस्ड ऑन बर्थ. जब किसी का बर्थ होता है तभी से ही डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है. अगर बॉय है या गर्ल है, कम्प्लेक्शन कैसा है सोसाइटी में, इवन एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज. एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, सपोज बर्थ से ही अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई जिसे हम कहते हैं कि 6 months के बाद या 1 year के बाद या 2 year के बाद अगर किसी को पता लगता है कि कोई डिसऑर्डर है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में बर्थ से ही जो है कई कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. लेकिन उसके इस बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना रॉन्ग है, दैट इज नेचुरल. ये जो है दैट इज नेचुरल. अब इसके बेसिस के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जाए तो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, देन डिफरेंस बेस्ड ऑन चॉइस, बेस्ड ऑन चॉइस. ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है बेस्ड ऑन चॉइस. सम पीपल कैन चेंज देयर रिलीजन. अगर किसी का जो बर्थ है वो किसी एक रिलीजन में हुआ है, ठीक है, सपोज अगर उसका रिलीजन जो है, अब वो पर्सन चॉइस से अपना रिलीजन चेंज कर सकता है. ठीक है, अगर उसको लगता है कि सपोज अगर उसका कोई भी रिलीजन है, उस रिलीजन में उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो अपना रिलीजन चेंज कर लेता है. ये उसकी चॉइस है और अपनी चॉइस के बेस के ऊपर वो अपनी कम्युनिटी से अलग हो सकता है. ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेंज करना चाहता है या नहीं. ठीक है, कुछ लोग अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, तो ये चॉइस है. बेस्ड ऑन बर्थ तो उसका है ही है कि अगर किसी पर्सन का बर्थ किस फैमिली में हुआ है, वो हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है. ठीक है, लेटर ऑन हिज चॉइस ही कैन चेंज, वो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है. ठीक है, तो ये उसके ऊपर है. सेकंड जो डिफरेंस है दैट इज बेस्ड ऑन चॉइस. सम पीपल दे कैन चेंज रिलीजन. ठीक है, तो ये जो है वो ह्यूमन चॉइस. सम पीपल दे कैन चेंज देयर रिलीजन. रिलीजियस डिफरेंसेस, अगर किसी को लगता है कि वो इस रिलीजन में उसको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, सपोज आपने सुना होगा कि सपोज सम पीपल दे आर लिविंग इन पाकिस्तान. ठीक है, अब पाकिस्तान में सम हिंदू फैमिलीज आर ऑल्सो लिविंग, लेकिन अगर वहां पर उन लोगों को उनके ऊपर एक्सप्लॉटेशन किया जाए या एट्रोसिटीज की जाएं, वो वहां के पाकिस्तान में ही रह रहे हैं वो, ठीक है, तो वो वहां पर अगर उनको लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो दैट इज देयर चॉइस, दे कैन चेंज देयर रिलीजन, इट इज अप टू दैट. ये उनके ऊपर है कि वो वहां पर रहकर रिलीजन चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अगर उनका कॉन्शियस अलाउ करता है तो दे कैन चेंज, अगर कॉन्शियस अलाउ नहीं करता तो दे विल नेवर चेंज एंड दे विल फेस डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट हिज लाइफ. जब तक वो वहां पे रहेंगे तब तक वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करेंगे और ये उनके जो है वो उनका एक तरह से कह लो कि उनकी कैपेबिलिटी है, उनका अपना डिसीजन है कि वो कब तक उस डिसीजन पे फर्म रहते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कुछ डिफरेंसेस बर्थ के बेसिस के ऊपर होते हैं, कुछ डिफरेंसेस चॉइस के बेस के ऊपर होते हैं. सम पीपल चेंज कंट्री. कुछ लोग बेस्ड ऑन बर्थ का मतलब है कि अगर किसी का बर्थ इंडिया में हुआ है, ठीक है, बाद में एजुकेशन लेने के बाद वो कंट्री छोड़कर चले जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर रहकर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो मे बी चॉइस के बेसिस के ऊपर दे कैन चेंज देयर कंट्री आल्सो. कुछ लोग अपनी कंट्री चेंज कर लेते हैं. ठीक है, अगर सपोज कोई पर्सन है जो विलेज एरिया में रह रहा है, उसको लगता है कि विलेज एरिया में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बेस्ड ऑन बर्थ, क्योंकि उसका बर्थ विलेज एरिया में हुआ है, लेकिन बाद में वो पर्सन एजुकेशन लेकर कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में जा सकता है. इट मींस बेस्ड ऑन चॉइस का मतलब होता है चॉइस के बेसिस के ऊपर वो अपना रिलीजन या अपनी कंट्री चेंज करके अपनी जो कंडीशंस हैं उनको इंप्रूव भी कर सकते हैं. दैट इज अप टू देम, वो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है. अगर वो कंट्री छोड़ के नहीं जाता, अगर वहीं पे उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जा रहा है, तो वो जब तक वहां पे फॉर्म है डिसीजन ले सकता है तब तक वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करता रहे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन. कई बार डिफरेंसेस ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर भी होते हैं. बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, इंडियन सोसाइटी में हमने ये पढ़ा है कि ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर
कास्ट सिस्टम जो है दैट वॉज डिसाइडेड लाइक ब्राह्मण्स क्षत्रियास वैश्यास एंड शूद्रास. ब्राह्मण्स का ऑक्यूपेशन क्या था? वर्शिप. क्षत्रियास टू फाइट वॉर सोल्जर्स. वैश्यास का था बिजनेस एंड शूद्रास दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स एंड लोअर कास्ट एंड दे कांट चेंज देयर ऑक्यूपेशन. उस टाइम पीरियड में वो ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते बिकॉज एट दैट टाइम कास्ट सिस्टम वॉज वेरी रिजिड. उस टाइम पीरियड में रिजिड था. उस टाइम पीरियड में लोअर कास्ट दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल एंड उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था. सम पीपल दे वर कंसिडर्ड एज स्लेव्स. दास कहा जाता था उनको, गुलाम कहते थे. सम वर कैप्चर्ड इन वॉर, जिनको लड़ाई में पकड़ा जाता था और उनके बाद थ्रू आउट देयर लाइफ दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय देयर मास्टर्स एज अ स्लेव्स. दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. तो ये भी ऑक्यूपेशन उस टाइम पीरियड में ऑक्यूपेशन. कई बार डिफरेंसेस ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर भी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट पीरियड.